नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के विषय में आपको बताने वाला हूं जो दोस्तों आपको जो आपको देखने को मिला कि पिछले आपको 10 सालों से लगातार काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ और आपका पोटेंशियल इसमें देता आ रहा है और आपके पैसों को ना जाने कितने मल्टीफोल्ड कर चुका है। दोस्तों मार्केट में आपको तो इतने मैंने बहुत सारा आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिला होगा जो पिछले आपको 3 साल और 5 साल से इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसका जब बात करें यदि आपको इस म्यूचुअल फंड के विषय में तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसका जो आपको पास्ट रिकॉर्ड आपको जो 10 सालों का काफ़ी आपको तगड़ा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये तो हो गया आपको मतलब पिछला रिकॉर्ड। लेकिन दोस्तों बात करें कि आने वाले टाइम इसमें क्या संभावना देखने को मिलती है और यदि आप इसमें निवेशित हैं तो आपको क्या करना चाहिए और यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए फंड कैसा हो सकता है, इन सारी जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों आपके चैनल पर वीडियो में बने रहें, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के विषय में आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि ये आपका एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है और इसमें जो आपको पैसा लगने वाले हैं आपको देख सकते हैं आपका इक्विटी में। और दोस्तों इसका जो आपका रिस्क का जो मैंने आपको कैटेगरी देखने को मिल रहा है वो आपका वेरी हाई देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करिए जब आपको रिटर्न की तो आपको देखने को मिला कि पिछले 1 मंथ में देख सकते हैं कि अराउंड आपको 3% का रिटर्न देता हुआ दिखा है और पिछले 6 मंथ की बात करें तो 18.6 आपको परसेंट रिटर्न निकाल कर दिया है और पिछले 1 साल में आपको अराउंड 40% बोल सकते हैं और पिछले आप 3 साल का जो इसका जो आपको एवरेज जो आपको CAGR देखने को मिल रहा है आपको देख सकते हैं कि आपको अनलाउज तो आप देखने को मिल रहा है कि 22% देखने को मिल रहा है और पिछले 5 साल को बोले तो 23.8 के साथ आपको रिटर्न निकाल के देता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों ओवरऑल की बात करें तो आपको 20% के CAGR से आपको रिटर्न निकाल के देता हुआ दिख रहा है जो कि आपको काफ़ी शानदार और का बेहतरीन है। और दोस्तों अगर यदि आपको मान के लिए कि मार्केट में यदि आपको कोई भी आपको रिटर्न या आपका कोई भी फंड अगर 20% का यदि आपको रेशियो से आपको यदि आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है तो आने वाले टाइम में आपको ना जाने कितना टाइम्स मतलब पैसे को कर सकता है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको बात करें यदि आपको करंट जो इसका NAV दिखता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं कि आपको 75 रुपये के 75.7 देखने को मिल रहा है और इसकी जो रेटिंग है वो दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला जो कि 5 पर की इसको रेटिंग देखने को मिल रही है। और यदि आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें 1000 से मिनिमम SIP शुरू कर सकते हैं और टोटल यदि इसके फंड साइज की बात करें तो आपको देखने मिल इसका जो फंड साइज आपको 60,559 करोड़ का टोटल इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों ये फंड आपको एक बेहतरीन इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें जो आपको जो पैसे हैं वो आपको इंडियन मार्केट में तो लगते ही हैं और बाकी आपको जो विदेश हो गया जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि आपको US मार्केट में भी इस पैसे का जो आपको जो पैसा जा रहा है उसका आपको कुछ हिस्सा आपको वहां भी लगता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये जो फंड आपको लिए इसलिए भी एक आपको एक खास हो जाता है। और दोस्तों बात करें यदि आपने जैसे कि आप रिटर्न कैलकुलेटर में देख सकते हैं यदि आपने इसने ये आपको इसमें आपको 1 साल के लिए जब आपने 1 लाख रुपये लगाया होता तो आपको 1,40,000 का रिटर्न बनाता हुआ दिखता और पिछले 3 सालों में देख सकते हैं कि यदि आपने 1 लाख रुपये लगाया तो 1,83,000 निकाल कर आपको रिटर्न दिया होता और पिछले 5 सालों में देख सकते हैं कि शानदार 190% का आपको इसमें रिटर्न निकाल के दिया है, जैसा कि दोस्तों आपके सामने है आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि SIP में भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न निकाल के दिया, 5 सालों में 86%, 3 सालों में 40%, आपका देख सकते हैं कि 1 ईयर में आपको 16% के अराउंड इसमें आपको रिटर्न निकाल के देता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात करके आपको देखने को मिला जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको टोटल जिसमें आपको जो फंड है इसमें आपको टोटल 84 फंड में पैसा लगा हुआ आपका मतलब शेयरों में। और इसकी यदि बात करें टॉप 10 होल्डिंग की तो आपको देखने को मिला कि देख सकते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि आपको HDFC बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ICICI बैंक हो गया, ITC हो गया, कोल इंडिया हो गया, SCL टेक्नोलॉजी हो गया और जो मैं आपको बात कर रहा था US के भी मैंने विषय में तो आपको देखने को मिले इसमें देख सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन देख सकते हैं कि आपको US में अभी आपको पैसा लगता हुआ दिख रहा है। फिर आपको देख सकते हैं एक्सिस बैंक हो गया। तो दोस्तों ये तो इसके हो गए टॉप 10 होल्डिंग। और जैसे बात करें कि आपकी पूरी होल्डिंग के विषय में तो जैसे कोई आप देख सकते हैं आप इसमें वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा, जैसे कि जो मैंने आपको बता रहा था US के विषय में तो देख सकते कि आपको मेटा प्लेटफॉर्म हो गया, फिर आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट हो गया, फिर अमेजन हो गया, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें काफ़ी अच्छा इसका जो तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जैसा कि इन्फोसिस हो गया, सिप्लर हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो पोर्टफोलियो आपको काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिला और काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसलिए भी यह जो आपका फंड है काफ़ी आपको खास हो जाता है और एनर्जी के सेक्टर में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा अपने आपको बैलेंस करके रखा है क्योंकि जो दोस्तों आने वाला टाइम जो है वो आपको एनर्जी का होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका टोटल होल्डिंग। अब दोस्तों बात करके होल्डिंग इन्होंने आपको मतलब किस हिसाब से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है और मतलब कितने पैसे कितने आपको इसमें कहाँ लगता हुआ दिख रहा है उसमें भी आपको बताएंगे। और दोस्तों आपको दूसरे
जो आपको जितने भी आपका स्मॉल कैप फंड है उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनका जो मैक्सिमम पैसा आपको इक्विटी में जाता हुआ दिख रहा है। तो जो आपको देखने को मिले किसी में आपको 95% हो गया, किसी में 96% हो गया, लेकिन दोस्तों इस फंड के केस में आपको देख सकते हैं कि आपको 85.5% जो आपका पैसा इक्विटी में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोस्तों बाकी जो आपको पैसे हैं वो आपको डेब्ट में भी जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इसलिए इस फंड का जो आपका रिटर्न है काफ़ी आपको बैलेंस आता हुआ दिखेगा और आपको लंबे समय में जो आपको पैसे हैं आपको काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ करते हुआ दिख सकता है। और दोस्तों इनके हाथों में कैश की बात करते हैं, इनके हाथों में कैश भी देखते हैं कि 0.8% देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें कि किस सेक्टर में कितना इनको पैसा लगा पड़ा, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपका फाइनेंस में 35% को लगाया है, जो कि आपको मेजरली पैसा आपको यहाँ जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे है वो आपका एनर्जी है, क्योंकि दोस्तों एनुअल टाइम जो आपका है वो आपका एनर्जी का ही इसमें काफ़ी आपको डिमांड रहने वाला है। फिर देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं कि 8.7%, आपका कंज्यूमर में देख सकते हैं 6.2%, सर्विसेज में देख सकते हैं 16%, और आपका टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने पैसे को लगाया है जो आपको 12.8% होता हुआ दिख रहा है। इन अदर्स में देख सकते हैं जो आपको मिसलेनियस बोल सकते हैं या आप अदर बोल सकते हैं 6.5% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन आप देख सकते हैं कि पैसे को आपको आपको डाइवर्सिफाई करके रखा है। और दोस्तों इनकी जो पी की बात करते हैं, उनका पी भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने प्रीवियस पे मैंने वीडियो आपको जैसे कि निपोन का हो गया और आप जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड का होगा, दोनों का जो पी देखने को मिल रहा था इसे ऊपर ही देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों उनके तुलना में जिसका जो पी है आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों उनके तुलना आप इसे आपको सस्ता ही फंड में से आप बोल सकते हैं, और बाकी जो उनका डाटा है आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों बात करिए यदि आपको देखने को मिला कि यदि इसकी 1 ईयर की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कैटेगरी का जो एवरेज है वो आपको 36.5 का है, लेकिन दोस्तों इन्होंने आपको 39% रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो इनका 3 ईयर का जो कैटेगरी एवरेज है वो आपका 18.4 है, लेकिन इन्होंने आपको 22.3% रिटर्न निकाल के दिया है। और 5 साल की यदि कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 15.8 है, लेकिन उसके तुलना में देख सकते हैं कि आपको 23.8% रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 साल बोलिए, 3 साल बोलिए या 5 साल बोलिए, आपको तीनों भी फॉर्मेट में इन्होंने आपको काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। अब दोस्तों बात करें ओवरऑल जो आपको पिछले 10 सालों का जिनका रिटर्न है, आप देख सकते हैं कि 20.4 देखने को मिला, जो मैं आपको बता रहा था कि 20% का जो आपको 20-21% का डाटा मान के रखे, मतलब जो साल दर साल इन्होंने पूरा एवरेज मान के चलिए, तो काफी आपको शानदार रिटर्न निकाल के दिया होगा, जो आपसे आज से 5 साल बोलिए, 6 साल पहले बोलिए, जो अभी तक इस फंड को आपको होल्ड करके रखे होंगे। और दोस्तों इनके जो कैटेगरी का जो रैंकिंग वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 5 साल में नंबर 1 पर रैंकिंग कर रहे हैं, और बाकी आपको डाटा इसमें देख लीजिएगा। और दोस्तों बात करिए यदि इसका सिमिलर फंड की, तो आपको देखने को मिलेगा इनका जो सिमिलर फंड है इसमें आपको सारा डाटा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, और दोस्तों आने वाले टाइम पर और भी आपको मार्केट में जितने भी आपको टॉप मतलब म्यूचुअल फंड है सबके रिगार्डिंग आपका वीडियो मार्केट में आपको इसमें चैनल पर आता हुआ दिखेगा, तो आप दोस्तों आप इसमें चैनल पर इसमें जुड़े रहें। तो दोस्तों बात करिए यदि आपको देखने को मिलेगा इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको अदर फंड के तुलना में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। और दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो आपको जो म्यूचुअल फंड जो आपको जो मैनेजर है जो आपको फंड को मैनेज करने के लिए आपके जो थोड़े बहुत कमीशन के तौर पर आपसे जो पैसे लेता है इस फंड को मैनेज करने के लिए उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों यह जो आपका फंड से कुछ पैसा थोड़ा बड़ा आपको जो कट के उसके अकाउंट में जाता है और उनको उनके सर्विसेज के रूप में उनको प्रदान होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप डाटा देख सकते हैं कि एग्जिट लोड आपको इसमें 2% का लगेगा, यदि आप अपने फंड को 1 साल से पहले आपका मतलब इसमें विड्रॉ मारते हैं तो आपको इसमें 2% का रिडेम्पशन चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आप किसी जो ना आप इसमें पैसे लगाए हैं यदि आप उसको 1 साल से ज़्यादा और 730 दिन से यदि आप मतलब कम यदि इसके बीच में यदि आप अपने पैसे को निकालते हैं, मान लीजिए कि 3 साल मतलब 1 साल से लेकर आप 2 साल के भीतर से यदि आपको पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% का रिडेम्पशन चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका 2.5 साल हो गया 3 साल तो उस केस में आपको इसमें कोई भी चार्ज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आपको इसमें जो आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आपको 0.005% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो आपको इसमें डाटा हो गया। अब चलिए दोस्तों इनके यदि फंड मैनेजर की बात करें, इनका जो फंड मैनेजर काफ़ी आपको इसमें एक्टिव देखने को मिल रहे हैं और इनका जो एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी देखने को अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिसमें आपको जिसको फंड मैनेजर है आपका राजीव ठक्कर जी हैं, और ये आपका जो फंड आपको देखते हैं कि फंड भी आपको 2013 का है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी लंबे समय से इस फंड से जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर अभी तक का देखने को मिल रहा है। और इनका जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस भी आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब आपको लंबे समय से इस फंड से जुड़े हुए हैं और इतने सारे फंड को ये आपको मैनेज करते हुआ दिखेंगे, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
अब दोस्तों एक नाम और आपको देखने को मिला कि जो आपको रौनक ओनकार देखने को मिल रहे हैं, जो ये भी आपको इस फंड से देख सकते हैं कि 2013 से जुड़े हुए हैं और इनका जब क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा और इनका जो एक्सपीरियंस भी क्या किया, ये भी आप डाटा आपको इसको पोस्ट करके देख सकते हैं और ये भी आपको इतने सारे फंड को देखने को मिल रहा है। और बाकी जो फंड मैनेजर उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं कि अबराज मेहता जी हैं, वो इस जो उनके जो फंड मैनेजर हैं वो भी आपको 2016 से इस फंड से जुड़े हुए हैं और इनका जो ये सारे डाटा को आप पढ़ के देख लीजिएगा। और अगले जो बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें और भी आपको लाभ का नाम है जो कि आपको रिजेंटली भी इसमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें कि इस फंड का आपको ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका रैंकिंग क्या है, उसमें भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपको जो देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी का जो इनका जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको पूरे इंडिया में पूरे देख सकते हैं कि 23 नंबर पर होल्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, 23वें नंबर पे हैं। और अभी तक देख सकते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 68,453 करोड़ का टोटली आपको फंड को मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों बात करके इस फंड मैनेजर की तो आप देख सकते हैं कि ये 2012 से इंडियन मार्केट में इनका देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करके मैंने आपको जिस फंड के विषय में बताया उसका बेंचमार्क क्या है, तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि बेंचमार्क क्या है कि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इस आईपीओ केस में म्यूचुअल फंड केस में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि फंड आप इसमें यदि आप इसमें लंबे समय से यदि आप इसमें निवेशित हैं तो दोस्तों आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, और यदि आपको जो अभी भी यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं दोस्तों तो चूंकि इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी आपको डाइवर्सिफाइड है और आपको अच्छा देखने को मिल रहा है तो आने वाले टाइम में और आपको आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है और आपको मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अभी तक आपका रिटर्न निकाल कर देता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से आप चाहें तो इस फंड में आपको निवेशित कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का यदि अपना मूड बना रहे तो दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें सारा डाटा को देखा और दोस्तों सारा डाटा को देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिले या आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।